लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओडीएफ घोषित हुआ जिला और गांव में पत्रों को नहीं मिला शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन को लगा पलीता। निचरौल विकास खंड के एक महिला का शिकायत सामने आया है। वैसे तो महिला ने किसी अधिकारी से शौचालय की मांग को लेकर कोई गुहार पत्र नहीं दिया है, परंतु उक्त महिला ने बताया कि वह काफी दिनों से निराश्रित और विधवा है। उसे आज तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। बता दें, निचरौल विकास खंड के बलही खोर निवासी महिला ने बताया कि उसे खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, उसे शौचालय का लाभ नहीं मिला है। वहीं महाराजगंज जनपद की खुले में शौच से मुक्त होने की रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा काफी वर्ष पूर्व ही लगा दिया गया है, जो सिर्फ कागजी है। जमीन पर आज भी लाखों लोग हैं जिन्हें पात्र होते हुए भी सरकारी योजनाओं से महरूम रखा गया है, जिसका वजह साफ है कि वह इतने लाचार और गरीब हैं और मजबूर हैं कि योजनाओं के नाम जुड़वाने हेतु लगाए जाने वाली अवैध धन नहीं दे सके हैं, जिसके बाद सभी को लाभ मिल गया है। जैसी रिपोर्ट लगा अधिकारियों ने कागजों में ही जनपद को स्वच्छ घोषित स्वघोषणा से कर दिया है। दिक्कत होला, परेशानी ढेर होला तो खेती बाड़ी में जाली जा। प्रधान से कर शिकायत केले रहनी, कहले रहनी नहीं दिहला। कितना दिन हो गई आपके आवाज नहीं मिले शौचालय? मिलल ही नहीं बा हमके, न शौचालय मिलल बा न आवास मिलल बा हमके। प्रधान का कहन है? का कहल चीन चीन देले, जे जे प्रधान लाग रहल हमके नहीं दिया ले तो हम कैसे कही हमके दिया ले बाना।